Good morning students, I Kirti welcome you all in BBVN online classes. So today we are going to do question answer of chapter 8, that is how plant grow. आपने इसकी बाकी जो एक्सरसाइज थी फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग ये सारी कर ली है. नाउ क्वेश्चन आंसर्स, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर लिटिल वंस. जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने लिटिल वंस को प्रोड्यूस करती हैं. ओके, सो नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. एक सीड की जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर होती हैं. सो योर आंसर इज जर्मिनेशन इज द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड्स. जर्मिनेशन क्या होता है, जो एक सीड होता है उससे बेबी प्लांट का ग्रोथ होना. एक सीड होता है, आपने उसको जमीन में लगा दिया, ठीक है, अब उसमें से बेबी प्लांट जो होता है वो किस तरीके से बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो एक बिग प्लांट में, बिग ट्री में चेंज होता है. तो ये होता है जर्मिनेशन, कि एक जो बेबी प्लांट है जो सीड में से निकल रहा है वो किस तरीके से धीरे धीरे बड़ा ट्री या प्लांट बनता है, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन. एंड व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. सीड की जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर, कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर होती हैं. आपने पढ़ा था चैप्टर में कि जो एक सीड होता है उसे अपने जर्मिनेशन के लिए एयर, वाटर, वार्म्थ, ठीक है, जो एयर होती है क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं ये बीज वगैरह होते हैं इनको भी सांस लेना होता है, इनको ऑक्सीजन लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. ओके, वाटर, इनको अपने मतलब जो सीड होता है उसको अपने हार्ड पार्ट को, ठीक है, बेबी प्लांट को बाहर निकलने के लिए सीड को सॉफ्ट होने की ज़रूरत होती है तो उसे वाटर की भी ज़रूरत होती है. वार्म्थ, नमी, नमी की वजह से जो सीड कोट होता है, जो हार्ड कवरिंग पार्ट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसे नमी की भी ज़रूरत होती है. सो एयर, वाटर, वार्म्थ, सनलाइट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक सीड की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होती हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड सीड बी डिस्पर्स्ड. जो सीड होते हैं वो क्यों डिस्पर्स्ड होते हैं, उनको सीड का डिस्पर्सल क्यों ज़रूरी होता है. सीड आर नीड टू बी डिस्पर्स टू गेट प्रॉपर कंडीशन ऑफ ग्रोथ. अपनी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर कंडीशन के लिए सीड्स का डिस्पर्स होना ज़रूरी होता है. अगर आप सारे सीड्स को पास पास लगा देंगे, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उनको वो प्रॉपर कंडीशंस जो उनको रिक्वायर होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है क्योंकि सारे सीड्स पास पास लगे हुए हैं. इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो सीड को एक गैप में लगाते हैं जिससे जो भी एक सीड है उसे अपनी प्रॉपर कंडीशंस अच्छे से मिल पाए और वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए. सो सीड्स आर नीड टू बी डिस्पर्स टू गेट प्रॉपर कंडीशन फॉर ग्रोथ. अपनी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर कंडीशन के लिए सीड्स का डिस्पर्स होना ज़रूरी होता है. योर फोर्थ क्वेश्चन इज बाई व्हाट मेथड आर सीड्स डिस्पर्स. जो सीड्स होते हैं वो किन किन मेथड से डिस्पर्स होते हैं. सो योर आंसर इज सीड्स कैन बी डिस्पर्स बाई विंड, वाटर, एक्सप्लोजन एंड एनिमल्स. आपने पढ़ा था चैप्टर में कि किस तरीके से जो सीड्स होते हैं वो विंड, हवा की हेल्प से, वाटर, पानी की हेल्प से, एक्सप्लोजन, किस तरीके से जो बीज होते हैं वो फूटकर उनका डिस्पर्सल होता है, और एनिमल्स, किस तरीके से एनिमल्स की हेल्प से जो सीड्स होते हैं वो उनका डिस्पर्सल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिसाइड सीड रिप्रोडक्शन इन व्हाट अदर वे डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस. जो सीड रिप्रोडक्शन के अलावा वो कौन कौन से रिप्रोडक्शन के वे होते हैं जिनसे प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है. सो अदर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज, आपने सीड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से सीड से रिप्रोडक्शन होता है, और जो अदर वे हैं किसी भी सीड के रिप्रोडक्ट, किसी प्लांट के रिप्रोडक्शन के, वो हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्ट्स. जो वेजिटेटिव, जो बॉडी, जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी हेल्प से किस तरीके से प्लांट रिप्रोडक्शन करता है, एंड रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्सेस. सो ये थे अदर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो योर क्वेश्चन आंसर इज ऑल्सो कम्प्लीट. नाउ डू योर दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.